दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा ये प्राथमिक अंकगणित है उसी का चैप्टर नंबर दूसरा। पहला को मैं कंप्लीट कर दिया हूं, उसमें कुछ पीडीएफ दिया हूं दोस्तों, उसको भी आप डाउनलोड करके ज़रूर बनाइएगा, आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक समझने वाला दिया गया है। तो है कौन सा चैप्टर दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त हो गया, एवं महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से है दोस्तों, इसको LCM कहते हैं, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, और देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ दोस्तों, आप आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो लघुत्तम समापवर्त को लिखेंगे LCM, और HCF जो लिखेंगे, HCF किसको लिखेंगे? HCF लिखेंगे इसको, महत्तम समापवर्तक का, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए आपको मैं देखिए ये वैसे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन देखिए जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें देखिए ये डिजिट जो है, डिजिट इसका डिजिट बड़ा आपको दिखेगा हमेशा, इसका डिजिट बड़ा रहेगा, इसका डिजिट बड़ा रहेगा हमेशा। जब भी आप दो संख्याओं का क्या निकालिएगा, क्या निकालिएगा ध्यान दीजिए, जब भी आपको कहेगा कि यानी छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या इस तरह से कहेगा निकालने के लिए, तो वो संख्या आपको निकलेगा बड़ा, यानी आपको निकलेगा बड़ा, लेकिन कहेगा क्या चीज़, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा। अब देखिए, अब जैसे कहेगा आपको दोस्तों, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस दोनों में, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस दोनों में, ना कि क्या है दोस्तों दूसरे में कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे देखिए कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन ये संख्या जो आपको आएगा यानी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए छोटी हो जाएगा, यानी छोटी संख्या निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उसको क्या करेंगे, बनाएंगे LCM लेके, बनाएंगे LCM लेके, लेकिन दोस्तों अब देखिए वो बड़ा जैसे लगेगा, लगेगा बहुत बड़ा है। अब देखिए इसमें जैसे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा निकालेंगे, बड़े से बड़ी संख्या, तो उसको यानी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए उसको क्या करेंगे दोस्तों, तो उसको देखिए HCF के अंतर्गत निकालेंगे। अब वो आगे क्या है, किस तरह से निकालेंगे सब बात करेंगे, लेकिन छोटी सी जानकारी थी, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा उसको क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, छोटी छोटी संख्या कहेगा निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। लेकिन संख्या दोस्तों देखिए, मान जो है इसका मान इस तरह से दोस्तों आपको देखने में लगेगा कि देखिए मान जो है इसका मान ये बहुत बड़ा लगेगा और ये बहुत छोटा लगेगा, तो यही मैं बता रहा था। अब देखिए कुछ चर्चा करते हैं, ये जो दिया गया है टॉपिक, तो दोस्तों देखिए इसमें टॉपिक सबसे पहले दिया गया है क्या है दोस्तों, अपवर्त क्या है। देखिए इसको दोस्तों ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, टाइम इसमें दीजिएगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते चलता हूँ, पहले दिया गया है क्या चीज़, तो दोस्तों देखिए पहले दिया गया है आपको अपवर्त्य दिया गया, अपवर्त दिया, इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी संख्या का अपवर्त, अपवर्त गुणज वे संख्या है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब ध्यान दीजिए फिर से, किसी संख्या का अपवर्त गुणज वे संख्या है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे देखिए चार ले लिया, उदाहरण को कंप्लीट समझिएगा, यानी उसको उदाहरण को ध्यान से देखिएगा, चार ले लिया दोस्तों, तो देखिए उस संख्या को क्या कहता है, किसी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं, वे संख्याएं हैं, वे संख्या है जो उस संख्या से, उस संख्या से दोस्तों जैसे चार हो गया, तो चार से तो मान लीजिए चार भी क्या होगा, एक तरह से आप समझिए चार का पहारा ले लीजिए, चार का पहारा हो गया जैसे, तो पहारा। अब देखिए एक चीज, अपवर्त का मतलब पहारा लिख सकते हैं, अपवर्त का मतलब पहारा हो गया, पहारा हो गया दोस्तों, अपवर्त, अपवर्त का मतलब पहारा। जैसे देखिए बारह का अपवर्त कुछ देगा, तो बारह का जब पहारा लिखिएगा तो बारह भी लिखिएगा, बारह दुनी चौबीस और कितना लिखिए, भारतीय छत्तीस, इस तरह से पहारा जो हो गया दोस्तों, पहारा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, देख लीजिए वो हो गया आपका अपवर्त हो गया, अपवर्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या दिया गया है, कुछ इससे संबंधित आपको टॉपिक दिया गया, इसको देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कहता है, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होता है, जैसे चार का अपवर्त दोस्तों, चार का अपवर्त निकालिएगा तो वो संख्या पहले स्वयं होगा, तो पहले देखिए यही कहता है, किसी संख्या का
पहला अपवर्त संख्या स्वयं होता है। इसका यदि अपवर्त निकालने के लिए सबसे पहले चार लिखेंगे, क्योंकि पहाड़ा लिखने के लिए सबसे पहले चार ही, जिसका पहाड़ा लिखेंगे वो संख्या लिखना पड़ेगा, तो वो चार लिखेंगे। जैसे देखिए बारह का कहेगा पहाड़ा लिखने के लिए सबसे पहले बारह लिखेगा, तो पहला ये जो है आपका नोट करके ये वही बात कहता है। अब देखिए क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम, किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना क्या है दोस्तों, संभव नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए, यानी अंत, देखिए दूसरा टॉपिक समझा रहा हूँ, अब इसको जैसे पढ़ते जाइएगा तो इसका कोई अंत है, तो दूसरा का कोई अंत नहीं है, दूसरा का कोई अंत नहीं है, इसका पहला का क्या हो जाएगा, पहला का प्रथम संख्या हो जाएगा, पहला का प्रथम संख्या और दूसरा का कोई अंत नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा को समझिए, तीसरा क्या कहता है, किसी संख्या के अपवर्तियों का, अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है। यही बात हो गई दोस्तों, इसको बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ते चल जाएगा, इसका कोई डिफिनिट नहीं है, यानी अनंत हो जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों आगे कहता है, आगे देखिए कहता है किसी संख्या का अपवर्त, अब इसको समझिए, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। अब एक चीज़ बताइए, किसी संख्या का जो क्या निकालेंगे, अपवर्त निकालें, जैसे चार का अपवर्त निकालेंगे तो संख्या चार के बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा, छोटा यदि लिख देंगे तो देखिए ये तीन से तीन का जो पहाड़ा पड़ेंगे उसमें आएगा ही नहीं, तो वही बात कहता था, क्या कहता था, किसी संख्या का जो अपवर्त निकालेंगे पहाड़ा पड़ेंगे पहाड़ा पहाड़ा जो पढ़ेंगे पहाड़ा, तो वो क्या होना चाहिए, उस संख्या से, जैसे चार संख्या हो गया उस संख्या से छोटा नहीं होगा, क्या होगा, छोटा नहीं होगा, यानी या तो बराबर होगा, इस तरह समझिए, या तो बराबर होगा या दोस्तों या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, यही बात कहता था, बड़ी होगी, तो इस तरह से वो ये टॉपिक कहता था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब ये क्या है, अपवर्तक, क्या होता है अपवर्तक। अब देखिए अब आपको ध्यान से थोड़ा देखना है, अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ इससे संबंधित भी, देखिए इसमें क्या कहता है, वो क्या था दोस्तों, देखिए वो था आपका अपवर्त्य, क्या था, अपवर्त्य था, ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया ये अपवर्तक है, वो क्या था दोस्तों, वो था अपवर्त, ये था अपवर्तक। अब चलिए इसको समझते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसे क्या कहता है किसी संख्या का अपवर्तक मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड समझते हैं, गुणनखंड करके इस तरह समझिएगा, एलसीएम एक तरह समझिएगा, आप तो बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम, जैसे आठ का एलसीएम हो गया तो दो से लगाएंगे, उसके बाद चार हो गया फिर दो से लगाएंगे तो दो हो गया, इस तरह से ये हो गया आपका गुणनखंड। किसी संख्या का अपवर्त, गुणनखंड वह संख्या जो संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी चार का दोस्तों आपको अपवर्त पूछेगा, चार का अपवर्त नहीं अपवर्तक पूछेगा, क्या पूछेगा, अपवर्तक पूछेगा, चार का अपवर्तक पूछेगा, यानी ये पूछेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ भाग लगेगा दोस्तों, देखिए एक से लगेगा और दो से लगेगा और चार से लगेगा, ये हो गया आपका अपवर्तक। 24 का देखिए क्या क्या चीज़ लगेगा, 24 का लगेगा एक से भी लगेगा, देखिए दो से, यानी जो जो चीज़ इसमें भाग लगेगा वही हो गया आपका अपवर्तक। तीन से लगेगा, देखिए चार से, ये छः से, आठ से, बारह से और क्या हो गया 24 से। अब देखिए आप कुछ और लिखते हैं, जैसे देखिए 50 का यदि कह जाएगा लिखने के लिए, देखिए दो से लगेगा और कितना से लगेगा दोस्तों, पाँच से लगेगा, और देखिए दोस्तों और जो है आपको कितना 10 से लगेगा, और दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए, अब आपको 25 से लगेगा और दोस्तों देखिए 50 इस तरह से लगेगा, इससे ज़्यादा से तो नहीं लग सकता है, यानी उस संख्या से भी लगेगा, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब क्या समझते हैं, दोनों चीज़ समझते हैं, अपवर्त समझते हैं और क्या समझते हैं, अपवर्तक समझते हैं, अपवर्त और अपवर्तक। देखिए इधर क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड वाला फेज क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों अपवर्तक, ये हो गया आपका अपवर्तक, और इधर लिखते हैं अपवर्त। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट जानते हैं, इसका भी क्राइटेरिया पढ़ेंगे थोड़ा आगे, लेकिन इसको देखिए, इसका कहेगा मान लीजिए चार का क्या लिखने के लिए अपवर्त, यानी पहाड़ा, तो चार चार एकम चार
चार दूनी आठ, चार तिया बारह, इस तरह से डॉट डॉट करके जाएंगे और देखिए इसे 24 का क्या देगा आप वर्क लिखने के लिए, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से डॉट डॉट करके भरेंगे। अब देखिए यहाँ क्या देगा 50 का, तो लिखेंगे 50, उसके बाद देखिए यानी पहाड़ा समझिए, ये पहाड़ा हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया गुणनखंड, जो जो चीज़ से भाग लगेगा वो हो गया ये, और ये क्या हो गया यानी ये इस तरह से हो गया पहाड़ा समझिए, पहाड़ा। ये आगे चल के इसका कोई डिफिनिट नहीं होगा, लेकिन इसका जो है आगे चल के डिफिनिट होगा, आगे चल के डिफिनिट होगा, क्योंकि उससे आगे नहीं हो सकता है। यदि यहाँ 5 लिख दीजिएगा या क्या लिख दीजिए 8 लिख दीजिए, फिर देखिए अब क्या होगा दोस्तों, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए क्या है इसका मान सीमित होगा, लेकिन इसका आगे जाते जाते बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा डिफिनिट नहीं होगा। इसका जो है ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि आगे बढ़ते जाएगा इसका मान आपको अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा इसका मान, अनंत तक जाएगा इसका मान, देखिए ये अंतिम वाला हो जाएगा, इसका मान यही हो जाएगा, इसका मान यही हो जाएगा, इसका मान यही हो जाएगा अंत में, तो इस तरह से ये दोनों समझ गए। चलिए इसका कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसका देखिए इस तरह से उसमें देखे थे उसी तरह से इसमें भी देखें। अब दोस्तों जब बनाएंगे ये LCM HCF तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, वैसे ये एक बार जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पहला कथन क्या कहता है इसका, किसी संख्या का पहला, किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक जो है एक होता है। दोस्तों सभी में क्या है एक से, यानी एक से भाग लेगा, एक से इसमें भी, एक से इसमें भी, देखिए यहाँ एक छूट के दोस्तों एक भी होना चाहिए, यहाँ एक भी होगा, एक और दो भी होगा, एक दो इस तरह से हो जाएगा। तो एक देखिए सभी के लिए है एक, और क्या कहता है सबसे छोटा, सबसे छोटा कहेगा पहला और सबसे छोटा जो कहेगा तो वो क्या हो जाएगा एक ही होगा, यानी सबसे छोटा कहेगा तो ही और पहला कहेगा तो भी, यानी अपवर्तक सबसे छोटा कहेगा तो भी एक और पहला कहेगा तो भी एक। अब देखिए किसी संख्या का सबसे बड़ा, किसी संख्या सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होता है, कि जैसे इसका मान लीजिए अपवर्तक निकालना है तो अंतिम संख्या तो यही होगा, यही होगा अंतिम संख्या, यही होगा और यही सबसे बड़ा होगा। देखिए यानी चार का जो अपवर्तक निकाल रहे हैं, चार का अपवर्तक निकाल रहे हैं, अंतिम संख्या यही है और सबसे बड़ा भी यही है। जैसे 24 का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो 24 क्या है, 24 अंतिम संख्या, 24 अंतिम ही संख्या है और सबसे बड़ा भी है। जैसे 50 का निकाल रहे हैं तो क्या है दोस्तों, यानी अंतिम संख्या वही है, अंतिम संख्या वही स्वयं है और क्या है कि सबसे बड़ा भी है, यही कह रहा था। अब देखिए क्या कहता है इसमें जो है दोस्तों, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होगी। इसमें जो है ना देखिए, इसमें जैसे एक इसका कहेगा आपको अपवर्तक निकालने, इसकी संख्या सीमित होगी, इसकी संख्या सीमित होगी, इसकी संख्या सीमित होगी, यानी पता लगाया जा सकता है कि इसकी संख्या कितनी है, ये बात कह रहा था। आगे देखिए कहता है किसी संख्या का अपवर्त संख्या से छोटा या बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा, तो देखिए इसका अपवर्तक जो है ना, अपवर्तक है ना, इससे छोटा या, इससे छोटा या क्या कहता है संख्या से छोटा या बराबर होता है, यानी इससे क्या होगा छोटा भी होगा, इससे इससे छोटा भी होगा या इसके बराबर भी होगा, इससे छोटा भी होगा इसके बराबर भी होगा। जैसे देखिए ये क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा लेकिन बराबर नहीं है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया। अब देखिए ये क्या है, चार के बराबर भी है, दोनों फुलफिल कर रहा है। अब देखिए ये हो गया, आगे देखते हैं ये टॉपिक। तो दोस्तों देखिए जैसे आपको आगे मैं बताया, क्या देखिए क्या बताया दोस्तों, अपवर्त बताया, अपवर्त मतलब क्या होता है पहाड़ा, पहाड़ा कह सकते हैं, अपवर्त मतलब पहाड़ा, पहाड़ा ही होता है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, आगे देखिए कहता है समापवर्त, समापवर्त सम मतलब क्या होता है दो, इस तरह से मान लीजिएगा सम मतलब दो होता है, अपवर्त मतलब, अपवर्त मतलब, अपवर्त मतलब पहाड़ा होता है। तो यानी अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले चलिए इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त, क्या अपवर्त, अपवर्त बार बार यूज कर रहा है, अपवर्त यानी पहाड़ा, पहाड़ा पहाड़ा समझ लिए, अपवर्त मतलब पहाड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं समापवर्त कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। जैसे चार का दोस्तों लिख लीजिएगा, चार का क्या लिखिएगा अपवर्त लिखिएगा, चार का अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या होता है
अपवर्त मतलब पहारा, पहारा लिखिएगा पहारा। तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे कहीं भी जा सकता है, इसका कोई डिफिनिट नहीं रहता है। आप देखिए उसी तरह से लिख लेंगे 6 का, 6 का भी अपवर्त लिख लेंगे। देखिए यानी पहारा लिख लेंगे 6 का, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 5 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, डॉट करके इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, दो यानी सम मतलब क्या हो गया, जो दोनों में है, दोनों में हो सम। समापवर्त निकालते हैं, समापवर्त निकालते, समापवर्त या निकालते, समापवर्त निकालते हैं। जैसे देखिए इस दोनों में क्या क्या मिला, 4 और 6 का, तो दोस्तों देखिए इस दोनों मिल रहा है ये 12, दोनों में तो 12 आ जाएगा। अब देखिए अब कौन सा संख्या मिला, ये देखिए 24 मिल रहा है, तो इस तरह से 24 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे इसको नहीं बढ़ाया तो ये हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 36। इस तरह से बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया, देखिए यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, इस तरह से मिल गया। तो यही क्या हो गया दोस्तों 4 और 6 का, चलिए नीचे देखिए कट गया, ये हो गया 4 और 6 का, 4 और 6 का क्या हो गया, 4 और 6 का ये हो गया समापवर्त। ये चीज़ ध्यान रखिए, अपवर्त जो मैं कहा यही अपवर्त, अपवर्तक नहीं, अपवर्तक नहीं, इसको पढ़िएगा ये गलत हो जाएगा, ये अपवर्त, अपवर्त मतलब पहारा होता है, पहारा होता है। ये क्या होता है, जो चीज़ उसमें भाग लग सकता है, जो चीज़ उसमें भाग लग सकता है, जो चीज़ उसमें भाग लग सकता है, ये क्या हो गया पहारा हो गया, इस तरह समझिए। चलिए आगे देखते हैं इसका, आगे देखिए समापवर्तक दिया गया है, इसी का विलोम है, विलोम नहीं कह सकते हैं इस तरह से, इसको मैं बताया हूँ, देखिए विलोम नहीं कह सकते उसको। देखिए देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे आपको मैं बताया ऊपर में क्या बताया, अप क्या बताया, कि आपको मैं बताया अपवर्तक बताया, अपवर्तक मतलब गुणन खंड, गुणन खंड यानी इस तरह से सोच लीजिए उस संख्या में कौन कौन संख्या से भाग लेगा, कौन कौन संख्या से भाग लेगा, कौन कौन संख्या से भाग लेगा। तो कहता है दो, इसमें भी दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ संख्या जो आएगा उसको क्या कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे, यानी अपवर्तक को समापवर्तक कहेंगे, समापवर्तक। देखिए वो क्या था, वो था आपको समापवर्त, समापवर्त ये है समापवर्तक, समापवर्तक ये है वर्तक, वो क्या था, वो था समापवर्त, वो था समापवर्त, ये क्या है, तो ये है आपको समापवर्तक, ये क्या है, ये पहारा, इसको पहारा के अंतर्गत रखते थे। और ये क्या है, ये देखिए जो चीज़ इसमें भाग लग सकता है, तो देखिए दो संख्या कहता है, ये दो संख्या समापवर्त, तो इस तरह से करेंगे समापवर्त, दो संख्या लेंगे, देखिए 4 और 6 ही लीजिए, तो 4 में देखिए क्या क्या चीज़ भाग लेगा, तो 1 से लगेगा छोटी छोटी, और सबसे पहली संख्या हो जाएगा अपवर्तक में 1, उसके बाद देखिए 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें 1 से लगेगा और 2 से लगेगा और 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो अब इस दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो वो हो जाएगा आपको, वो आगे आएगा समापवर्तक आएगा, वो आएगा समापवर्तक 6 और 4 का। देखिए दोनों में 1 मिल रहा है, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और क्या हो जाएगा, और देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिला, आगे बढ़ाने से आपको यदि मिलेगा तो इसी देखिए आगे इसका मान जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ही से इसमें भाग लेगा, इतना ही से इसमें भाग लेगा, इतना ही इसमें, तो इसका जो है क्या हो जाएगा समापवर्तक, क्या हो समापवर्तक 6 और 4 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए आगे देखते, तो दोस्तों देखिए ये जो है LCM, ये क्या है लघुत्तम समापवर्त, जैसा कि आपको मैं बताया, क्या बताया दोस्तों देख लीजिए यहाँ, चलिए लिखते हैं इस तरह से, देखिए क्या बताया दोस्तों अपवर्त, क्या बताया अपवर्त्य बताया, अपवर्त ना कि अपवर्तक, अपवर्तक आप यहाँ नहीं लाइएगा, इसका मतलब क्या होता है पहारा होता है, इसका मतलब पहारा होता है, ना कि आपको मैं गुणनखंड कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या कहता है लघुत्तम, क्या कहता है लघुत्तम, लघुत्तम समाप समापवर्त, इस तरह से देख लीजिए। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ इसको पढ़ते हैं दोस्तों, ये परिभाषा,
दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त जो है, समावर्त छोटी से छोटी संख्या छोटी से, मैं क्या कहा दोस्तों, लघुत्तम कहेगा तो ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या नोट कीजिए, आपको मैं पहले ही बताया, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक संख्या जितना भी संख्या रहेगा नीचे में दिया हुआ, नीचे में जितने भी संख्या देगा वो संख्या से वो चीज़ पूरी तरह से विभाजित हो। जैसे देखिए ये 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, अब ये देखिए कौन सा संख्या फाइंड आउट करेंगे जिसमें देखिए क्या है, इससे भी भाग लगे तो वो संख्या देखिए इस तरह से हो जाएगा 24। अब देखिए इसको बनाते हैं, तो दोस्तों देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का 12, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 6 20, 4 6 24। और देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते, 6 का 6, 6 दुनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 6 30। अब देखिए अब क्या लिखें, 8 का लिखेंगे, 8 का 8, 8 दुनी 16, 8 3 24, 8 6 32। अब आप ही बताइए इससे भी भाग लगने वाली संख्या सबसे छोटी इसमें कौन से, सबसे छोटी संख्या देखिए दोस्तों 24 ही एक संख्या है जो तीनों में है, 24 ही एक संख्या तीनों में है, यानी छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है दोस्तों, जो क्या है वो 6 से भी और 4 से भी 8 से भी तीनों से भी है, तो वो 24 ही है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। यही था दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं, यानी कहने का मतलब आपको मैं बताया था पहले भी, देखिए अब दोस्तों देखिए ये क्या है, देखिए अब जब निकालिएगा, देखिए वैसे होता नहीं है, मैं पहले ही बताया, और पहले जो सबसे आगे में जो बताया LCM ये होता नहीं है, लेकिन देखने को ऐसे मिलता है, आप जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा यदि कन्फ्यूजन हो तो उस तरह से HCF इस तरह से इसका मान जो है ना, आपको क्या होता है जब इस दोनों कंपेयर कीजिएगा, मैं बार बार यही कंपेयर कीजिएगा, इसका मान अधिक होगा, याद रखिएगा अधिक होगा और इसका मान कम वाला होगा। तो यही बात था, तो यहाँ देखिए ये है ओनली, ये 24 हो गया इस तरह। चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों देखिए इसको समझते हैं, जैसा कि इसको लिखेंगे क्या चीज़, HCF, मैं बताया दोस्तों इसको लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे HCF लिखेंगे, यानी महत्तम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, समाप वर्तक लिखेंगे, जैसे ऊपर में क्या पढ़े थे, अपवर्तक में क्या होता था, अपवर्तक में होता था गुणनखंड, यानी इस तरह से कहिए उसमें क्या क्या चीज़ से भाग लग सकता है। जैसे देखिए यहाँ पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए उदाहरण समझते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो चलिए अब इसको समझते हैं दोस्तों, मैं क्या बताया, देखिए 12 लिख लिया और इसको देखिए क्या लिखे, 16 लिख लिया। अब इसका क्या निकालना है हमको तो दोस्तों इसमें देखिए 1 से भाग लगेगा और क्या से लगेगा, 2 से लगेगा, और देखिए दोस्तों 3 से लगेगा, 4 से और 6 से, उसके बाद देखिए 12 से लगेगा और किसी चीज़ से नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, 1 से 2 से, 4 से, उसके बाद देखिए 8 से, उसके बाद 16 से। अब आप ही बताइए यानी इसका मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताइए बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से क्या है जो इसमें भाग लग जाए, इस दोनों में भाग लग जाए, इस दोनों में भाग लगना चाहिए ना कि एक में,
यानी दो संख्याओं, क्या कहता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से कौन सा संख्या इसमें से फाइंड आउट करेंगे, यानी बड़ी से बड़ी होना चाहिए, क्या बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए इससे लेते हैं तो छोटी छोटी तो नहीं कहता है, बड़ी से बड़ी, देखिए इससे लग रहा है, इससे ले, चले ठीक है। अब देखिए इससे इसमें भी लग रहा है, इससे इसमें भी लग रहा है, तो देखिए अब इससे लगा है तो इसमें लग रहा है, फिर देखिए इसमें नहीं है तो दोनों में होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे देखिए एलसीएम और एच सी एफ जब कंपेयर किया जाएगा, जब कंपेयर किया जाएगा तो मान 12, यानी इस दोनों में जब कंपेयर किया जाएगा तो मान इसका हमेशा ज्यादा आएगा, इसका मान कम आएगा। यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि क्वेश्चन बना रहे हैं तो छोटा जो मान रहेगा, छोटा मान इस तरह से समझिएगा, यानी दो संख्याओं का कह देगा एच सी एफ, तो देखिएगा छोटा जो है वो हो जाएगा एच सी एफ, और यदि बड़ा दे दिया दो संख्याओं का तो वो समझिएगा एल सी एम है, यही बात था। और देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या निकालिएगा एच सी एफ, बड़ी से बड़ी संख्या निकालेगा एच सी एफ, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो एल सी एम, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो एल सी एम। लेकिन आपको जब दिखाई देगा इस तरह से तो इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ फॉर्मूला कुछ। देखिए पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर होता है एल सी एम गुणी एच सी एफ। पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, एल सी एम गुणी एच सी एफ। देखिए अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं पहले भी बताया बराबर के इस साइड यदि कोई संख्या प्लस में उस साइड ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड माइनस में है बराबर को उस साइड ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड देखिए भाग में है उस साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, इस साइड गुना में है उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इस तरह से नियम है। जैसे देखिए इसका मान निकालना, पहली संख्या निकालना है, इसको इस तरह से लिखेंगे एल सी एम गुने एच सी एफ बट्टा इस दोनों के बीच गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यही फॉर्मूला बनाया है। अब देखिए दूसरी संख्या, ये पहली संख्या के लिए हो गया, अब दूसरी संख्या के लिए देखिए यानी बी बराबर है तो बी निकालना है, बी को इस साइड रखेंगे, जिसको निकालना इसको इस साइड रखेंगे, जिसको नहीं निकालना उसको उधर भेज देंगे, एल सी एम गुने एच सी एफ क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, यही हो गया फार्मूला, यही फार्मूला है। अब दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त दो संख्या गुणनफल, दो संख्या गुणनफल, यही बात है, यही बात है। मान लीजिए यहाँ समझिए, यहाँ से हमको निकालना है एल सी एम निकालना है, एल सी एम तो इस दोनों को इधर ही रहने देंगे, ए गुने बी दो संख्या गुणनफल, दो संख्या गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा एच सी एफ, इधर क्या बच गया एल सी एम, बस यही है। अब देखिए अब निकालना हमको एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ निकालना, तो इस तरह से दोस्तों देखिए एल सी एम को इसके निकालना था, यहाँ सीखिए यहाँ से एल सी एम निकालना था तो एल सी एम को इधर रख लिए, और इसको क्या था गुना में था, इसको भेज दिया नीचे में आ गया, यही फॉर्मूला बन गया। अब एच सी एफ निकालना, एच सी एफ, एच सी एफ को इसी साइड रखेंगे बराबर इस साइड रखेंगे। अब देखिए रखने के बाद देखिए इधर क्या है, तो ए गुना बी, ए गुना बी हो गया दोस्तों, इसका मान निकालना है, इसको नहीं निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, इधर एक गुना में है इधर जाएगा भाग में, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा एल सी एम हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये फार्मूला आपको मैं बता दिया, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं दिया गया है, अब दोस्तों चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं आपको। अब देखिए जैसे दोस्तों दे दिया इस तरह से, यानी भिन्न, भिन्न का एल सी एम, भिन्न का एल सी एम यदि कह देगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए चार बट्टा आठ दे देगा, छः बट्टा चार दे देगा, इसका कहेगा एल सी एम निकालने के लिए, जो चीज़ कहेगा निकालने के लिए, जो चीज़ कहेगा निकालने के उसको ऊपर निकालेंगे, तो उसको लिखेंगे एल सी एम बटे एच सी एफ, ऊपर वाले को क्या निकाल देंगे एल सी एम, जैसे एल सी एम कहेगा निकालने के लिए तो ऊपर वाले को एल सी एम बटा नीचे वाले को एच सी एफ। अब जैसे कह देगा इसी दोनों में कह देगा एल सी एम निकालो, एल सी एम, एल सी एम जैसे ही कहेगा निकालने के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ एल सी एम निकाला, अब एच सी एफ कह देगा, एच सी एफ कह देगा, एच सी एफ कह देगा, एच सी एफ, तो ऊपर वाले को एच सी एफ निकालेंगे, ऊपर वाले को एच सी एफ निकालेंगे, नीचे वाले को एल सी एम निकाल के लिख देंगे। जैसे देखिए इसको बनाते हैं दोस्तों, इस दोनों का क्या निकालिएगा, इस दोनों का निकालिएगा क्या चीज़, इस दोनों का निकालिएगा आप एल सी एम। तो देखिए एल सी एम कैसे निकालिएगा, तो इस तरह से चार को लिखिएगा, चार को दोस्तों क्या कीजिए गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड कीजिएगा तो लिखिएगा एक गुने दो, यानी क्या होगा दोस्तों, तो इसको इस तरह से लिखेंगे अपवर्त है, ये हारा हो जाएगा ना, चार का चार, चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, इस तरह से। अब देखिए छः को लिखेंगे, छः का छः, छः का छः, छः दुनी बारह, छः तरीके अठारह। देखिए दोस्तों इस दोनों में देखिए क्या मिला है, तो दोस्तों इस दोनों में देखिए बारह मिल रहा है, इस दोनों का क्या हो जाएगा एल सी एम क्या आ गया बारह, लिखेंगे बारह।
अब इसका क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे तो 8 को लिखेंगे 1 × 2 × 4 × 8, और 4 क्या लिखेंगे, 4 को 1 × 2 × यानी गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कोमा कोमा करके लिखिए। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या चीज़ से भाग लग सकता है, 1 से 2 से 4 से। तो दोस्तों देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। इसका एच सी एफ क्या हो गया, 4 काटिएगा तो यह हो गया 3। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एल सी एम निकाल सकते हैं, एच सी एफ निकालिएगा तो इसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब कुछ प्रोसेस देखते हैं इसका। तो दोस्तों देखिए ये साधित जो है उदाहरण, तो इससे आपको मैं PDF दे दूँगा, इसको बनाइएगा। वैसे कुछ क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं, 100% आप यहीं सीख जाइएगा, फिर आप तनातन क्वेश्चन बनाइएगा। वैसे मैं सोल्यूशन भी कर दूँगा। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का 16 लिख दिया और कितना लिख दिया, 24 लिख दिया, 16 और 24 लिख दिया। इसका क्या कहता है, LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए। अब दोस्तों मैं बताया लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। तो दोस्तों अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा, ये तो आप जानते होंगे। तो एक चीज़ बताइए आप ही, इसको देखिए क्या कहता है, यानी निकालने के देखिए पहली विधि कहता है अभाज्य गुणन खंडन। अभाज्य गुणन खंडन देखिए क्या हुआ दोस्तों, उसको यानी एलसीएम दे देखिए तोड़ दीजिए। अब देखिए मैं बता देता हूँ इसको, जैसे देखिए इसको हम जो बनाए थे दोस्तों उसी तरीका से, जैसे इसको लिख लीजिए 16 लिख लीजिए। मैं क्या कहा था, ये अपवर्त मतलब होता है पहाड़, अपवर्त मतलब पहाड़ा होता है। तो 16 × 16, 16 × 2 = 48 और 16 × 64 इस तरह से हो गया। अब देखिए अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्ट्राइस में आपको मैं बता दे रहा हूँ, 24 देखिए 24 × 48 24 × 72। अब देखिए अब दोस्तों क्या है, इसमें संख्या लेना है। देखिए छोटी छोटी संख्या, देखिए कोई मिल रहा है, छोटी छोटी संख्या कोई मिल रहा है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, इस दोनों में ये सबसे छोटी छोटी संख्या यही दोनों में मिल रहा है, यही दोनों मिल रहा है, यही दोनों मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM, LCM क्या हो जाएगा, 48। अब देखिए इसको इस विधि से बनाते हैं, इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 16 को लिखिएगा इस तरह से, इसको क्या कीजिएगा गुणनखंड। देखिए तो 16 में सबसे पहले 2 से भाग लेगा, फिर देखिए इसको कितना से भाग लेगा, फिर 2 से, यानी इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं। 16 में देखिए छोटी छोटी संख्या 2 से लगाइए, सबसे छोटी छोटी से 2 से लगाते हैं, ये हो गया कितना, 8। फिर 2 से लगाएंगे, ये हो गया 4। फिर 2 से भाग लेगा इसमें, ये हो गया 2 इस तरह से। अब देखिए उसी तरह 24 है, 24 के 2 से लगाएंगे तो 12। फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। अब देखिए अब एक चीज़ बताइए, ये हो गया गुणनखंड, गुणनखंड इस तरह से। तो देखिए इसको देखिए इस दोनों में 1 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, और इस दोनों में फिर देखिए 2 मिल रहा है तो इस 2 को लिख लेंगे, फिर इस दोनों में ये 2 मिल रहा है, फिर 1 2 और लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या है कि ये भी अकेला हो गया, ये भी अकेला, इस दोनों को लिख दीजिए। तो 2 × 3 गुना कीजिए, 2 × 4 × 8 × 16 = 48। देखिए उस विधि से भी आपको 48 आया और इस विधि से भी 48 आया। अब दोस्तों एक विधि और होता है, उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए वैसे देखिए इसको भी भाग विधि ही कहेंगे, लेकिन इसको गुणनखंड के तौर पे लिख के, इसको गुणनखंड के तौर पे लिख के, यानी इस तरह से। देखिए ये भी वही है, लेकिन चलिए अब देखिए ये हो गया आपका, ये तरीका देखिए, इधर जो बताया अपवर्त के रूप में, ये एक तरीका हो गया, और ये दूसरा तरीका। एक तरीका और बता देता हूँ, ये देखिए भाग ही हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अलग कहा जाता है। जैसे देखिए 16 लिखा ना, तो 16 को 2 से लगाए थे यहाँ, ये भी 2 से लगाए थे, ये 2 और ये 2, और 1 2 3 4, 4 × 2 हो जाएगा। देखिए अब 24 का कितना कितना हो गया, 24 का हो गया 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। अब दोस्तों एक देखिए, एक लिख दीजिए, देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए। ये LCM की बात है, HCF काफ़ी चर्चा कर ही लेते हैं। ये देखिए ये हो गया 2 इस दोनों में, फिर देखिए 1 2 और 1 2 और मिल रहा है। अब देखिए इस दोनों का नहीं मिल रहा है तो भी क्या करेंगे, इस दोनों को लिख देंगे, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48। अब देखिए इसी में क्या देगा आपको, HCF निकालने के लिए, तो जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, HCF में जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे। ये हो गया 2, 1 2 और मिल गया। उसके बाद देखिए
एक दो और मिल गया, ये हो गया आठ। अब दोस्तों चलिए इधर देखते हैं एक विधि। अब देखिए जैसे आप क्या कहा था, ये देखिए इसको भाग विधि माना है, भाग विधि। अब देखिए, अब दोस्तों देखिए एक चीज़, अब आपको मैं भाग विधि बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए आपको निकालना है, अब देखिए आपको निकालना है एलसीएम ना, तो एलसीएम में क्या कीजिए, दोनों को एक साथ कर दीजिए भाग लगा के, तो यानी 16 और 24 लिख दीजिए। दोस्तों अब बताइए सबसे छोटी संख्या, दो, दो से लगाइएगा तभी दोनों में लगेगा, तो दो, दो से लगाइएगा तो 8 बचेगा, ये 12 हो गया। फिर देखिए दो से लगाए तो 4, ये हो गया 3। तो दोस्तों अब आप बताइए एलसीएम जो हो जाएगा इसका, एलसीएम यदि कह देगा तो 2 2 4, 2 2 4 या 12, तो बढ़तिया 36। ठीक है दोस्तों, 2 2 4, 4 4 16, 16 होता है, 16 होगा 16 48, इस तरह से हो गया। अब दोस्तों अब क्या चलते हैं, ये तो सिंपल था, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्या कहता है, 12 18 और 24 का क्या निकालने का कहता है, लघुत्तम, लघुत्तम समाप्त वर्त कहता है, समावर्त कहता है, समावर्त मतलब पहाड़ा होता है, पहाड़ा होता है। अब देखिए 12 को लिखिए, 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 2 24, 12 36, 12 48। अब देखिए इसको भी, 18 को भी, 18 देखिए अलग तरीका है, वैसे आगे भी आपको मैं बता देता हूँ और बताया भी हूँ, देख लीजिए 18 एकम 18, 18 2 36, 18 54, 18 4 72। आगे देखिए 24 का पहाड़ा, 24 एकम 24, 24 2 49, 24 3 72, 24 4 96, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या कहता है, लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या कौन है इसमें, देखिए इस तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, तो अभी बताइए। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ कौन सा संख्या है, देखिए देखिए दोस्तों 24 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें देखिए 48 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी 72, इसमें भी 72, इसको बढ़ाइएगा तो 12 44 12 5 60, 12 6 72। दोस्तों देखिए 72 क्या है, तीनों में है, 72 क्या है, तीनों में, 72 तीनों में है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम मतलब ही होता है पहाड़ा, ये हो गया 72 आंसर इसका। अब देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि, आप ही बताइए गुणनखंड, 12 का गुणनखंड क्या लिखेगा, 12 में देखिए 2 2 4, 2 2 4, 2 2, देखिए 2 2 4, 4 3 12, इस तरह से, इस तरह से गुणनखंड कीजिए, गुना करके ये पढ़ना चाहिए, तो 2 2 4 3 12। अब देखिए अब कितना 18 लिखा गया है, तो 2 2 लिखिएगा, उसके बाद कितना लिखिएगा, 2 3 6 6 3 18, ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया दोस्तों, ये देखिए हो गया आपको यानी गुणनखंड से। अब देखिए आज क्या लिखा, 24, अब देखिए 24 को क्या लिखेगा, तो लिखेगा 2 2, देखिए 2 2 4 4 2 8, अतिरिक्त 24, इस तरह से हो गया। तो अब दोस्तों देखिए जो दोनों मिले, इसमें भी इसमें मिला 2 2 लिख लेंगे। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों इसमें इसमें मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें इसमें देखिए ये 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे। अब देखिए देखिए दोस्तों इसका और इसका मिल गया है, अब क्या नहीं मिला, ये और ये नहीं मिला है, तो 3 2 6 नहीं मिला है। तो देखिए देखिए ध्यान थोड़ा दीजिएगा, दिक्कत हो तो देखिए, इस ये तीनों में मिला, इसको लिख लिया। अब देखिए ये दो लिख लिया, दोनों में मिला, ये देखिए ये 3 3 मिला, 3 लिख लिया। उसके बाद देखिए ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और क्या नहीं मिला दोस्तों, और देखिए ये नहीं मिला, 3 2 6 लिख लिया, इस तरह से। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 2 4, 6 3 12, 12 6 72, ये हो गया दूसरा विधि। वैसे देखिए दोस्तों ये लगभग सिमिलर ही है। अब देखिए एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबको एक जगह लिख के, 12 18 24, इसको देखिए वैसे कहा जाता है भाग विधि, भाग विधि। सबसे पहले देखिए 2 से लगाइएगा, 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद देखिए कितने से लगाइएगा, लगाइएगा फिर 2 से, 3 9 6, अब 3 से लगा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्या कि सब गुना कर दीजिए, देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 6 72, इससे भी आ गया। ये सब विधि था दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों। इसे तो आपको मैं बता दिया दोस्तों, HCF भी बता दिया, लेकिन आपको भाग विधि सिखाऊंगा, HCF भाग विधि से, HCF ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा इसमें क्या होता है, थोड़ा डाउट होता है, इसको विशेष करके मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं, जैसे लिखा गया 16 और 24, इसका निकालते हैं क्या चीज़, HCF निकालते हैं, HCF
वैसे देखिए इसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड कीजिएगा और जो दोस्तों दोनों में रहेगा, जो दोनों में रहेगा उसको लिख दीजिएगा वो आ जाएगा। जैसे चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले भाग विधि सीख लीजिए इसको, 16 को इस तरह से कीजिएगा, तो इस तरह से कीजिएगा। देखिए अब दोस्तों इसको एक बार लगाइए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस सबसे पहले एक से लगाइएगा, 16 एकम 16 घटाइए तो कितना हो गया, तो दोस्तों देखिए ये हो गया 8। इस तरह से इसको घेरिएगा, फिर घेरते चलिए इसको उतारिए 16। अब देखिए 8 × 16 तो कौन सा डिजिट से कटा है दोस्तों, तो 8 से कटा है। कौन क्या चीज़ से कटा, 8 से कटा है, तो 900 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 908 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और इसी में, जैसे दे देगा आगे देखते हैं, जैसे देखिए आगे आपको दे देगा 40, और जैसे देखिए 40 दे देगा, और कितना दे देगा दोस्तों 100 क्या मान लेते हैं, 128 मान लेते हैं। चलिए इसको कहेगा क्या चीज़ निकालने के लिए, भाग विधि से कहेगा 900 निकालने के लिए, भाग विधि से 900, क्योंकि भाग विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग विधि देख लीजिए। अब 40 को क्या कीजिएगा, इस तरह से घेरिएगा, 40 को इस तरह से घेरिएगा, 128 लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों इसको कीजिएगा तो 40 दिया 120 घटाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 8। अब दोस्तों इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा 40। अब देखिए 8 × 5 = 40 दोस्तों, कौन सा संख्या से कटा है, तो 8 से पूरा पूरा कटा है। जो चीज़ कटता है जो संख्या से वही होता है 908 हो गया दोस्तों। और देखते हैं और थोड़ा बड़ा वाला सोच के आपको मैं, तो दोस्तों देखिए मैं एक संख्या लेता हूँ 17 और कितना लेता हूँ 38 लेता हूँ, इसको भाग विधि से बनाता हूँ, भाग विधि से, तो इस तरह से घेर देंगे, इस तरह से घेरेंगे। अब कितना बार में लगाएंगे, 17 × 34। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे घटा करके, 4 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए इस तरह से बनाते चलेंगे, तो अब इस 17 को उतारेंगे तो कितना बार में लगाएंगे, देखिए इससे भाग लगाना इसमें, तो 4 × 16 = 1 हो गया। फिर इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब दोस्तों इस 4 को उतारेंगे कितना बार में लगेगा, 4 बार में, तो दोस्तों एक से कटा है, 900 हो जाएगा 1। अब देखिए इस इधर डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बनते चलेगा, जैसे यहाँ आया घटा के इस तरह से बनते चलेगा, फिर जैसे देखिए यहाँ घटा कर इस तरह से बनते चलेगा, फिर देखिए यहाँ घटा कर इस तरह से बनते चलेगा, तो इसी तरह से आगे भी जो है अपना बनते चलेगा, तो इस तरह समझ लीजिए। चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं इसका पीडीएफ देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटी छोटी संख्या बड़ी बड़ी संख्या, फेस वाला क्वेश्चन बहुत सारा, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये सब क्वेश्चन देखिए, और आपको मैं ले चलूँगा अगले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं जो इसमें दिया गया है आपका प्रश्नावली है वो सब करवा दूँगा, और मैं दोस्तों क्या बताया, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो सिंपल क्या निकालना है, निकालना है एलसीएम, बड़ी बड़ी संख्या कहेगा तो निकालना है एचसीएफ। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए, यहाँ देखिए, अब देखिए चलिए यहाँ थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों, देख लीजिए लेता हूँ थोड़ा सा पेज लेता हूँ और फिर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ ले लिया है, तो देखिए ये क्या हो गया 403 है, और इसको क्या करते हैं, देखिए बड़ा बनाया गया है, इसीलिए मैं सोचा बड़ा वाला मुझे आ नहीं रहा था, तो मैं छोटा है आपको बता दिया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एक से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 403। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो एक, घटाइए कितना हो गया 31, घटाएगा तो ये एक हो गया, और ये हो गया आपको 31। देखिए दो बार में लगाइएगा ना तो ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया एक, ये हो गया 3। इसको इस तरह से घेरते चलिए, इस तरह से, तो ये देखिए दोस्तों। अब देखिए इसको किस तरह से बनाइएगा तो देख लीजिए, तो दोस्तों देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए 31 से भाग देंगे, 31 एकम 31 घटा के 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो 31, अब 3 से लगाएंगे देखिए कितना हो जाए, 31 + 31 + 3 + 9 कितना से कट गया, तो फिर 31 से कट गया, 31 से कट गया तो 900 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जो चीज़ कटता है वही होता है 900, तो 931 हो गया। यही बताना था, ये भी छोटा में ही बन गया, तो दोस्तों देखिए यहाँ भी उसी तरह से बनेगा, 31 इसका क्या कर दिया है, तो इसका आपको 900 निकाल दिया है। अब देखिए इस तरह से भी किया गया है, तो दोस्तों यही मैं बताना चाहता था आपको, मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके बनाइएगा, और ये जो है प्रश्नावली आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में आते हैं।